यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलम टंट टंटम टटंटम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खुकुमं खंक खंक शकंखं डमसं डमसं डुडमसं द्रुहि द्रुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रग्राहे शबसति सबलः पातु वह चंद्रचूड़ गात्रम भस्म सितं सितं च हसितं हस्ते कपालं सितं खट्वांगं च सितं सितश्च वृषभः करनौ सिते कुंडले गंगा फेन सिता जटा पशुपते चंद्रहसितो मूर्धनी सोयम् सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन अशरण शरण पद्म पलाश लोचन अघट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्ररु भक्तमाने सिंहद्वार गुमुटरे दंडायमान होई सिंहद्वार सम्मुखरे प्रभुंकु प्रणिपात करुछंती एवं प्रवेश करुछंती। दर्शन करिबा पई एवं प्रवेश कला बेलकु तोरणरे जो लक्ष्मी रहिछंती तोरण लक्ष्मीकी मध्य चाहि दउछंती ऊर्ध्वमुखा होई मांकर दर्शन करी पुनः प्रवेश करुछंती प्रभुंक दर्शन करिबा पई श्रीक्षेत्र मांकर क्षेत्र। तेणु आदौ मांकर दर्शन एवं पतित पावन नारायण को दर्शन करी भक्त माने अति सुंदर भाव दर्शन करिबा पई प्रवेश करुछंती। जय जगन्नाथ टीवी रे मोर बापा माँ भाई भणी माने आपण माने दर्शन करुछंती महाप्रभुंकर संध्या दर्शन। एवं आज एक पवित्र दिन, आज कौन ना आज शिव विवाह। भगवान चंद्रमौली वृषकेतु शंकर आज श्रृंगार हुई माँ पार्वती की आज शिव पार्वती विवाह महोत्सव। भगवान शंकर जीवर ध्येय होती शिव, शिवंक बिना शिव किए अटंती। ईशान बा शिव होती सर्वविद्या एवं शिव होती सर्वभूतंकर अधीश्वर। तेणु ये दृष्टि भगवान शंकर जो माने भक्ति करती भगवान शंकर कृपारू जगन्नाथंकर कृपा प्राप्त होई थाए। एवं बिना शिव भक्ति रे शिवंक बिना शिव होचंती किए पार्वती होचंती किए ना श्रद्धा एवं विश्वास। श्रद्धा एवं विश्वास बिना भगवानंक चरण रे भक्ति असंभव। भगवानंक पाइबा असंभव। जाभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। जहांक बिना कृपारे सिद्ध माने ज्ञानी माने योगी माने प्रभु को देखि पारिबे नि, प्रभुंकर दर्शन पाई पारिबे नाही। तेणु शिवंक भाव नहीं आज भक्त माने किभली भाव देखंतु दर्शन करिबा पई प्रभुंकर व्याकुल हृदय रही से भगवान शंकर एवं पार्वती। श्रद्धा एवं विश्वास भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। तेणु शिव काहीक नीलकंठ हेले नाम काहीक नीलकंठ शिवंकर प्रसंगे निश्चित भाव श्रवण करवा पुंखानुपुंख भाव सिंहद्वार आपण मैंने आरंभर देखुले केत फांका होकरा बर्तमान देखत परिपूर्ण भक्त मानकर जनसमुद्र परिपूर्ण कारण केतबेले फांका हम केतबेले भिड़ हम ताहीपारे ना। एवं प्रभु दर्शन जितेबाला भक्त आग करदे दुई हाथ समस्ते प्राय आपे आपे हाथ ये उपरकू उठी जाए हाथ कहीं कहते निजा हाथ टेकि दि कि ये ठाकुर होपरी ठाकुर या देखीदे जहाँ हाथ उठेदे कारण अनंत कौटी ब्रह्मांडर नायक यांक पाखे जी हाथ टेकि दिंती सी कौटी हारती ना। प्रभु मुझे हाथ टेकिदेली प्रभु अर्थात प्रभु मुं शरण को गली आम मुझे करें प्रभु मुझ निराश्रय आपड़ आश्रय देवे ये निराश्रयटा को आश्रय दिंतु हे महाबाहू।
हे शरणागत वत्सल कृपाणु ये भाव नहीं भक्त मान आज दुई हाथ को ऊपर को टेकी ऊर्ध्व बाहु होई एवं सही ऊर्ध्व बाहु होई प्रवेश करुछंती प्रभुंकर एवं दुई हाथ ऊपर को टेकी देले कहउछंती हे नाथ मु आपनक शरण को आसली आपण शरणागति प्रदान करंतु अशरण को शरण आपण देइछंती तेणु ये अशरणागत शरणागत को मध्य आपण शरणागति प्रदान करंतु आज पवित्र शिव विवाह महोत्सव एवं आउ मात्र 27 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा देखिबा बिना विज्ञापन विरति रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे तेणु वेद ठारु साहित्य पर्यंत सबुठारे शिव तत्वर दीप्ति प्रत्येक स्थान रे शिव तत्वर दीप्ति प्रतिभात यदि शुक्ल यजुर्वेद को आमे देखिबा तो शुक्ल यजुर्वेद रे शतरुद्रीय पाठ रे मध्य शिव शब्दर प्रयोग देखा जाए नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अर्थात शिव होउछंती किए ना शिव होउछंती सुख शांतिर सृष्टिकारी होउछंती शिव हे सुख शांतिर सृष्टिकारी आपणंकु प्रणाम वेद कहउछंती तनु वेद रे वर्णना करा जाउची जे शिव होउछंती सुख मंगल शांतिर सृष्टिकारी एवं मंगलकारीकु प्रणाम वेद कहउछंती तनु शिवंकु नमस्कार परम कल्याणकारीकु नमस्कार तेणु आम नित्य पाठ करुवा आपत जदि देखिए महामृत्युंजय मंत्र महामृत्युंजय मंत्रर मध्य उत्पत्ति उच्च मध्य होती शुक्ल यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद एथिरे थिबा मंत्र यदि आप देखिए सुगंधमय तथा अन्नादिर पुष्टि को वृद्धि करुवा त्रिनेत्र शिव को स्तुति करेणु मृत्युबंधन मुक्त होगा एवं अमृतरु वंचित न होगा निम्ते ये महामृत्युंजय मंत्र वेदरे वर्णना करा जाइछि एवं विशेष करी आपण देखिबे अनुढा कन्या उत्तम बर प्राप्ति पाई भलो बरटिए पाइबा पाई से पितृकुळरु विमुक्ति एवं पतिकुळरु अभिमुक्ति कामना करी शिवंकर मध्य स्तुति करथिबा एही मंत्र रे प्रकाशित कौ मंत्र नित्य आमे से मंत्र को पाठ करथाउ शिव मंदिर रे एठी भक्तमान अति सुंदर भाव रे दर्शन करुछंती आज शिव विवाह महोत्सव भगवान शंकर आज श्रृंगार हुई अति अपूर्व श्रृंगार होकरी देवदेव महादेव उमापति वृषभारूढ़ बाबा आज बरजात्री रे बाहर एवं जतेबले भगवान शंकर विवाह पई जाइथले बरजात्री रे समस्त देवता माने महाप्रभु निजे श्रृंगार करिछंती भगवान शंकर को एवं एठी श्रीक्षेत्र रे जो परंपरा जदि आपण देखिबे श्रीक्षेत्र रे स्वयं जमेश्वर महाप्रभु निमंत्रण करिवे महाप्रभु को निमंत्रण करिवे तेणु गुआली दिन एवं एठी परंपरा कौन ना तांक वाहन उपर बसईकिरी पाछटिकिरी नेबे वृषभ उपर मध्य बसी थांती ये मध्य परंपरा टी देखिबा को मिले ये क्षेत्र रे तेणु महाप्रभुंकर ये जो अपूर्व लीला ये क्षेत्र रे आपण माने दर्शन करुछंती नीलकंठ भगवान एठी शिवंकर नाम नीलकंठ काहीकि ये संपर्क तो निश्चित भाव जानवा किंतु शिव एठी नीलकंठ रूप में मध्य विराजमान करिछंती ये क्षेत्र रे पंच महादेवंक भितरु नीलकंठेश्वर महादेव मध्य अन्यतम एवं नीलकंठ तांकर होइथिवारु नीलकंठेश्वर जेहेतु शिवंकर नाम होउछि ईश्वर एवं जीवर ध्येय होउछन्ति शिव जीवर सर्वस्व होउछन्ति शिव तेणु आपण श्वेताश्वेतर उपनिषद रे देखिबे शिव शब्दर व्यापकता मध्य प्रकटित होइछि सर्वानन शिरग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः जे समस्तंकर मुख मस्तक कंठ स्वरूप समस्तंकर हृदय स्थित जे होचंती कौन ना सर्वव्यापक सर्वांतर गामी भगवान विष्णु जगन्नाथ होचंती सर्वांतर जामी शिव होचंती सर्वांतर गामी एवं मंगलमय भगवान ही शिव पदवाच्य एवं पाणिनिकृत उणादि उणादि कोशर सूत्र मध्य आपण जदि देखिबे सर्व निघ्रस्वरिश्वल्लस्व शिवपट प्रभेश्वा अतंत्रे मतरे मध्य श्रृंग अर्थ स्वप्ने धातुरु निष्पर्ण शब्द होउछंती शिव जार व्युत्पत्ति वाक्य कौन ना सेते इति शिवः अर्थात शिव सर्वदा समाधिस्थ सबुबेले समाधिस्थ होइकरी प्रभुंक ध्यान रे थांती राम नाम को जप करू थांती तुम पुनी राम
राम दिन राती सादर जपेउ अनंग राती। एठी भक्त माने जगन्नाथ महाप्रभु को पतित पावन नारायण को दर्शन करुछंती एवं हृदय रे रहिछंती महाप्रभु। सेहिपरी भगवान शंकर तंकर कंठरे रहिले कौन ना विष, विष को रखिदेले कंठरे। केतेबेले विष पीले भगवान शिव ना जितेबेले ये समग्र सृष्टि सही विषज्वलारे जली पड़ी भस्म हो जाता समुद्र मंथन रु सर्वाद सर्वप्रथमे जो विष उत्पन्न होता एवं केते विष उत्पन्न होता कि समुद्र मंथन है आरंभर आज्ञा विष बाहर आवता मैने राक्षस मैंने से विषर ज्वलारे देवता राक्षस मानकर तेज कमिबा को ह्रास पाइबा को लगला। तेणु से विष जितेबले केते विष ना त्रैलोक्य दहनाद विषाद तीन लोक को जाली पड़ी पाउँश करदे भिष समुद्र गर्भर समुद्र मंथन रु आरंभ जो उत्पन्न होला समस्ते भयभीत हो गले कहे एत विष बाहर आृष्टि रही कौन हम वर्तमान कौन करवा समस्ते चिंतार पड़गले आसिले देवदेव महादेव कहे मत दि मुझे विष को पान करी शखरे त्रैलोक्य दहनाद विषाद समस्त विष को पान करदे भगवान शंकर आउ विष जिते पान कर सारी राम बोली उच्चारण कले से विष को कौटी रखिले कंठरे रखिले भगवान विष जिते पान कर भगवान शंकर कंठ नील पड़गला कारण विषर वर्ण हूँ नील एवं से नील कंठ तर नाम है विष को भगवान शिव कहीं ने उदर को कंठरे कहीं धारण कले ना हृदय रही भगवान हृदय जहाँ भगवान विष्णु राम विराजमान इतिपाई विष को ने विष को कंठरे रखिले एवं भगवान शंकर को जी आराधना करती ध्यान करती विष एवं राम हृदय राम कंठरे विष से विश्राम को प्राप्त हूँ तेणु जी विश्राम दे दिंती सी होती भगवान शंकर सी होती भगवान शिव तेणु से ही परम मंगलमय परम पुरुष सुक्ति तत्व एवं प्रलयर कारण एवं कारक मध्य भगवान शंकर एवं आपण जदि देखिबे भरतकृत अमरकोश टीकामतरे शिव कल्याण विद्यते अस्य अर्थ कौन ना मंगल जहाँ ठार सन्निविष्ट से होती शिव एवं पुनः आपण देखिबे शति नाशयति अशुभ मिति शिव अर्थात जी अशुभ को विनाश करती जी अशुभ को दूरे दिंती अशुभर विनाशक ही शिव अटंती एवं शिव उपनिषद मतरे मध्य आपण देखिबे अशिव पाश संयुक्ता पशव सर्वचेतना जस्मात् विलक्षणास्तेभ्य तस्मादीशः शिवः स्मृतः अर्थात जागतिक माया पास बद्ध होकर जो थिबा तथा आमर चेतना थाइकि सुद्धा अचेतनित तो पशु भाव जी व्यवहार करुवा जीव मानू पासमुक्त करुवा ईश्वर ही शिव अटंती प्रति जीव भगवान शिव को आत्मस्वरूप जाणिक अर्चना करवा उचित। आज से ही देवदेव महादेव आज्ञा बह महोत्सव आज शिव बहुत एवं आसंता काली शीतल षष्ठी और श्रीमंदिर जल क्रीड़ा एवं घरे बसी निज टीवी परदारे श्रीक्षेत्र पुरीधाम प्रत्येक दिन सका महाप्रभु जगन्नाथ सीधा प्रसारण दर्शन कर निजर दिन को मंगलमय करंतु एवं यह सहित महापुरुष महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त दिव्य लीलार दर्शन सीधा प्रसारण दर्शन करंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे आउ मात्र 27 दिन अपेक्षा एथर रथयात्रा देखिबा बिना विज्ञापन विरति रे केवल जय जगन्नाथ टीवी रे। तो भगवान शंकर देवदेव उमापति भगवान जितेबले बाहर बहुत शंभु गिरा पुनि मृषान होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई शिव होती सर्वज्ञ शिव सब जापारती जितेबले समस्त प्रसंग आपण जानी सती को परित्याग कले कारण पार्वती पूर्वजन्म होती सती दक्षर कन्या एवं सती को कहीं परित्याग कले सिंह द्वारे भिड़ सिंह द्वारे भीड़ा भीड़ी ये प्रभु दर्शन पर हे महाप्रभु केवल आपणकर दर्शन एवं जोठी प्रभु को देखी पार नाटी पाद को टी टेकी दौंती बाम पटक देखुं प्रभु देखा जाऊना पुणी डाहाण पट को भक्त चाहूँ
उद्देश्य केवल ब्रह्म दर्शन भगवान दर्शन करेंगे बड़दाण्ड में महाप्रभु क्षेत्र में दंडायमान हो जो भक्त मैंने चली चल कर आसुंच ये जो माने दर्शन करने आसुंच जो माने दर्शन पाई सिंहद्वार प्रवेश कर सब दर्शन पाई भक्त मैंने आसुंच केते काहू प्रतीक्षा करते क्यों समय प्रभुंर दर्शन करूँ जिते बड़े सिंहद्वार आसिक पहुँची जाते जमी ये स्थान आसिक पहुँची जावापर अनेक समय जो तृष्णा रही प्रभु दर्शन जो लालसा मन भितर था आज परिपूर्ण हो जाए सिंहद्वार पहुँची जावा मात्रे कारण ये ठाकुर होती ठाकुर भक्त मैंने अन्य जो देवता मंदिर को जाती मंदिर भितर को गलापर गर्भगृह प्रभुंर प्रतिमा को दर्शन करती किंतु जेहेतु ये होती अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगन्नाथ यांकर नाम भक्त यांकर द्वार मुह को पलि आसिले से आनंदित हो जाती पतित पावन नारायण रूप को देखिकी जो मन भितर जो व्याकुलता रही था भक्त मानकर प्रभु दर्शन करने जगन्नाथ को देखापी से प्रभु को दर्शन करी अरुणस्तंभ को स्पर्श करी प्रणाम करी एवं जो दीप लगी अरुणस्तंभ पाखे आप देखुंट अखंड दीप ये भक्त मैने किए घी बलिता आनी था ये पकईदे कारण जगत कल्याण उद्देश्य ये प्रदीप जलुंच ये दीप उपरे हाथ रखी सते जेपरी प्रभुंर ये आरती आरती आमर हरण कर आरत को दुख को कष्ट अरुणस्तंभर पीठ को बा मंडप को देखु जो पीठ मंडप उपर अरुणस्तंभ दंडायमान गोटे प्रस्तर ये निर्मित एवं देखिए चतुर्दिगर सिंह रही एक हस्ती उपरे हस्ती को पराजित करी हस्ती को पराहत करी ता उपरे सिंह एटी विजय सूचक मुद्रा रही कारण हाथी होती आज्ञा कामर प्रतीक एवं काम को विजय कले परमात्मा को पाई कारण जहाँ जो काम अच्छा जहाँ काम वहाँ नहीं राम जहाँ राम वहाँ नहीं काम जो काम अच्छे से राम नहांती जो राम अच्छा से काम नहांती तेणु जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद कहले कामस्य वामा गति काम कामर हूँ गति बाम तेणु काम को एठी पराजित करिसंती सिंह हस्ती को ये स्वरूप को आप दर्शन करुले पूजा पंडा सामंत महाभाग आसिकी प्रभुंर सन्निधि दंडायमान हेले सूचना कौन ना आज्ञा खूब कम समय भितर आम मैने संध्या आरती दर्शन करवा पतित पावन नारायण को महापुर कर्पूर लागे हेबे कर्पूर लागे पर जितेबले पूजा पंडा सामंत महाभाग ओह्ल आसवे सिंहासन तलू को आम मैंने जाणवा जे आरती हम जहाँ भी हूँ आसिक पहुँची गले मैंने अल्प समय खूब कम समय भितर प्रभु देखत भक्त मान आसिक सिंहद्वार प्रभु को देखिकी टे सतोष लाभ करु ये भली ठाकुर आम कहीपर भक्त रंकुणा भक्त को देखापी महाप्रभु पगल भली था मो भक्त को देखी मो भक्त को मुझे सुंदर भाव केवल दर्शन करी भक्त वत्सल यांकर नाम एवं देखु पूजा पंडा सामंत महाभाग सिंहासन उपरे चढ़ी एवं कि सुंदर भाव में महाप्रभु को तुलसी माला अर्पण करुंची कारण भक्त मान मन भितर थाए हे महाप्रभु करोपी तुलसी समर्पणम करो तू हाथ में टी तुलसी तोलिक आपंक दिंती तेणु श्रद्धार सहित भावर सहित जो भक्त अर्पण करेंगे प्रभु तुलसी टी तेणु श्रीअंग लागे सेवक महाप्रभुंर ताकि श्रीअंग ने नहींक्री धारण कर दिंती श्रीअंग लागी कर दिंती तुलसी माल को एवं से ही तुलसी माल प्रभुंर एत प्रिय तुलसी जिते आज्ञा फूल थाऊ तुलसीटे नहाप्रभुंर पूजा हो पारना तुलसी अनिवार्य फूल नलो कि तुलसी नलो ना ये हूँ भगवान विष्णुंर तुलसी प्रति प्रेम वृंदा प्रति भाव तेणु बर पाई वृंदावती हे तुलसी तुम बिना मोर पूजा हो पारना जिते संसार दुर्लभ पुष्प था सुवासित पुष्प था सुगंधित पुष्प था कहीं जदि तुलसी मो पूजा ना से पूजा असंपूर्ण तेणु से भाव भक्त मैंने तुलसी प्रदान करित्य प्रभु निम्ते सिंहद्वार सम्मुख अरुणस्तंभ चकड़ार चतुर्पार्श्व छावणी मठर मध्य सुंदर दर्शन जगन्नाथ महाप्रभु सहित मठ मानकर अनेक संपर्क अच्छी सिंहद्वार दुईपटे दुईट मठ के मठ ना आप जो मठटी को देखुं सिंहद्वार गुमुटर डाहाण पटे छाउणी मठ एवं बड़ छता मठ ये दुई गोटी मठ आम मैंने सुंदर भाव देखिपे जहाँ गोटे छता तले रही दंडे साधु सेवा करीबा ये बड़ छता मठ
ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାଉଣି ମଠ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଛାଉଣି ମଠ ଛତା ମଠ, ଇଏ ଛାଉଣି ମଠ ମଧ୍ୟ ବଳରାମକୋଟ ମଠର ଏକ ଶାଖା ମଠ, ଏବଂ ବଳରାମକୋଟ ମଠ, ବଡ଼ଛତା ମଠ, ଏସବୁ ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ମଠ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୃତି ମଠମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ରାଘବ ଦାସ ମଠ, ଏସବୁ ମଠମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଳ ଚୂଳ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁ ପରିଧାନ କଲେଣି, କାରଣ ମାଳ ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ଦୟଣା ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀର ମାଳ ଦୟଣାର ଚୂଳ ହୃଦେ ଧଣ୍ଡା ମାଳ ପ୍ରଭୁ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି। କର୍ପୂର ଲଗେଇଲେଣି ନୟନର ଚତୁ ନୟନ ନୟନକୁ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ନୟନର ଧାର ଧାରରେ ଚତୁଃ ପାର୍ଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଫେରିବା ବେଳକୁ ଏଇ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ରହିଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଖିରେ କର୍ପୂର ଲଗେଇଦେବେ। ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଞ୍ଜନ, ଏବଂ କର୍ପୂରର ଏଭଳି ଏକ ସଗୁଣ ରହିଛି, କର୍ପୂର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, କର୍ପୂର ଆଳତୀ, କର୍ପୂର ପ୍ରସାଦୀ, କର୍ପୂର ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ ଆଖି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଖିର ନେତ୍ର ରୋଗ ଯେତକ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିତ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତୀ କର୍ପୂରକୁ ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ପୂରର ମହିମା, କର୍ପୂରର ଗୁଣକୁ ସେମାନେ କେତେ ଉପଶମ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ସେମାନେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ଏହି କର୍ପୂର ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କର୍ପୂରକୁ ଲଗାନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର, ସୁବାସିତ କର୍ପୂର, ଏବଂ ଏ ଦିବ୍ୟ କର୍ପୂରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ପୂର ଶ୍ରୀମୁଖରେ କର୍ପୂର ଲାଗି ହେଲା, ଏବଂ ଅଗୁରୁ କର୍ପୂର ଅଗୁରୁ ଏସବୁ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଜି ଶିବ ବିବାହ, ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇକରି ଆଜି ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶିବ। ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭାବ କେହି ଜଗତରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କର୍ପୂର ଲାଗି ହେଇକରି, କି ସୁନ୍ଦର କଳା ମୁଖ ଚକା ଡୋଳା ପଦ୍ମ ନୟନକୁ ଦିଶେ ମାଧୁରୀ, ଭକ୍ତ ଜନ ଚିତ୍ତ ଚାତକ ଉଲ୍ଲାସ ବରଷି ଆସେ କି କରୁଣା ବାରି। ସତେ ଯେପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ବାରି ବରସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲେଣି, ବେଶ ହେଲେଣି, ଏବଂ ସେପଟେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଶିବ ବିବାହ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ, ଭଗବାନ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶୃଙ୍ଗାର ହେବେ। ଏବଂ ଶିବ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର ସିଏ, ସେ ଶୃଙ୍ଗାରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱଇଁ କରିଛି, ଇଏ କିଭଳି ରୂପ, ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି ନାଗମାଳ, ଜଟାଜୁଟ ଜଟାଜୁଟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ, ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଦେ ପାଦେ, ଚାଲି ଚାଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦର୍ଶନ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦର୍ଶନ ଇଏ ସୁଖ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଜୀବର। ଆମେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଥାଉ, କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ସଂସାରର ଜୀବ, କଳିହତ ମାନବ, ପାପୋହମ୍ ପାପ କର୍ମାହମ୍, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜେ ପାପ, ପାପ କର୍ମାହମ୍, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପାପକର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ, ପାପ ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାପ, ପାପୀ ଆତ୍ମା ଆମେ, ପାପ ସମ୍ଭବ, ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାପ କରିବୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣ୍ୟ କେଉଁଠି, ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜୁଛୁ, ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ସଂସାରରେ ଯାହା ସାଂସାରିକ କର୍ମ ସେ ସବୁ ହେଉଛି ପାପ। ଏପଟେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ମହାଭାଗ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବାକୁ କର୍ପୂର ଲାଗି ମାଳ ଚୂଳ ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଦେଲେ, ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେବକ ସେବା କରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ କହିବା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବଳିଆର ଭୁଜ ଏ ସଂସାର ସୁଖୀ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ସେହି ଭାବରେ ଭକ୍ତ
आजि पतित पावन नारायण को दुई हाथ टेकी देकरी प्रणाम करी प्रवेश करुछंती सिंहद्वार गुमुटरे एवं पूजा पंडा सामंत महाभाग एपटे प्रस्तुत हेलेनी आरती दर्शन करबा आउ काई विलंब करबा से संगीतर मूर्छनारे संगीतर निनादरे संगीतमय परिवेश रे आसंतु आरती दर्शन करबा कंठदान करिछंती महाप्रभुंक भजन सेविका श्रीमती नमिता अग्रवाल मैम। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। Oh,
जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। अपूर्व अपूर्व दर्शन महाप्रभु आरती आपणकर दर्शन करदे सत जपरी मन भितर जतक मईला अच्छी प्रभु सबुतक त्याग हो सफा हो जाऊ प्रभु मन निर्मल हो आपणकर आरती दर्शन करेंगे तेणु आपणकर आरती दर्शन में ये शक्ति रही आनंद रही आम केमी वर्णना करूँ हे महाप्रभु एवं घरे बसिकी दूर रहीकि मोर जो बापा माँ भाई भी मैंने दर्शन करुले आलती महाप्रभु सत्य जपरी आज्ञा आलती दर्शन कला बेल आमको लगुला आम घर आज पूरी पालट जाइए आम सत्य कौन सिंहद्वार ढाई आम अरुणस्तंभ पाखे ढाई प्रभुंर आलती पतित पावन नारायण दर्शन करुचु एमती किसी समय पर गोटे भ्रम सृष्टि हो जाता ये भ्रम भितर परमानंद कंद मंगलमय प्रभुंर आम आलती दर्शन करुले एपटे पूजा पंडा सामंत महाभाग प्रथम आलट लागि कले एवं आलट लागि कर सारापर चामर सेवा करुले वर्तमान चामर सेवा कर प्रणाम करुले तेणु सेवक सब बेले महाप्रभुंर सेवा करने सी तर सर्वस्व सब भूली जाती सेवकटे हवा सहज कथा नुह महाप्रभुंर महाप्रभुंर श्री अंगलागि सेवक एवं सेवक हवा कि अहेतुक कृपा केते पुण्य जन्म एकत्रित हेले पुण्य बल आज्ञा मनीष जन्म मिले पुणी आहुरी केते केते कोटि कोटि जन्म पुण्य एकत्रित हेले पुरी रे जन्म मिले आहुरी केते केते आज्ञा जन्म एकत्रित हेले मंदिर पाखापाखी जन्म मिले एवं भगवान जेते बेले निजे कृपा करंत भगवानंकर निज जन होउचंती तांकर सेवक तांकर प्रिय जन होउचंती तांकर सेवक सेवक प्रिय माधव होउचंती महाप्रभु तेणु निजे झाड़े रही संपूर्ण शरीर को निज झाड़े सिक्त करी महाप्रभु को जी आलट चामर सेवा करती जी महाप्रभु को आनंद दिखती सी होती सेवक तेणु सुंदर दर्शन आम करुले महाप्रभुंर आज भगवान शंकर आज्ञा बहु शिव बहुत आज तेणु अशिवा पाश संयुक्ता पशव सर्वचेतना दशमात विलक्षणास्तेभ्य समाधिश शिव स्मृत ये जागतिक माया पाशरे बद्ध होता तथा आमर चेतना थी सुधा अचेतन पशु भाव जो मैंने व्यवहार करती पशु भाव जो मैंने व्यवहार करुवा जीव मान पाशमुक्त करुवा ईश्वर हिं हो शिव प्रति जीव भगवान शिव को आत्मस्वरूप जाणी पूजा करने दरकार आज से शिव भगवान शंकर महोत्सव महाप्रभु सज होकर बसी आज महाप्रभु मध्य बरजात्री जीवे तेणु शिव एवं स्वयं लिंगम लिंग गमकमे बही अर्थात शिव होती स्वयं ज्ञान शिव प्रज्ञाने तेणु शिव होती ज्ञान यही ज्ञान रूपर प्रकाश होती लिंग आंग होती सच्चित आनंदर समाहार अचल प्रतिष्ठ पुनश्च शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता मध्य कहती लीनार्थ गमकं चिन्हं लिंगमित्य विधीयते मुख्यो भगत्सु प्रकृतिर भगवान शिव उच्यते इधर कहुची जे अव्यक्त शक्तिर प्रकाश लिंग भग शब्दर अर्थ प्रकृति एवं ये दुईटर आधार रे शिव एक धार रे लिंग और भगवान ही शिवंकर सहस्र नामावली व्यासकृत महाभारत रे अनुशासन पर्वर मध्य देखिए सतर अध्याय वर्णित हो तेणु जगदीश्वर शिवंकर ज्योतिर्मय सत्तार आज प्रकाश पर्व आज आज्ञा विवाह महोत्सव होची भगवान शंकर एवं आज भगवान शंकर देवदेव महादेव जगतगुरु आज विवाह कर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम आम हूचे कौन ना चिदानंद रूपी शिव यही मु प्रतिभाव भितरे शिव तत्वर सम्यक संभावना सन्नीत रही तेणु अल्परे संतोष जोगाश्रयी जतिर प्रमुख लक्षण निश्चय तेणु यही क्रम शिव सदा संतुष्ट गजचर्मर वस्त्र श्मशानर चितारे अंगराग कैलासर प्रस्तर शज्जारे अधिष्ठान वृद्ध वृषभ पृष्ठरे यात्रा पुणी गृह सामग्री कहिले आज्ञा गोटे खटुआंग कपाल कृति भिक्षापात्र परशु एवं
विषधर सर्प समूह को अवलंबन करिथिबा शंकर कदापि से असंतोषर वशवर्ती नुहंती। नासाग्र दृष्टि सहित अर्ध निमिलित नेत्र रे अंतस्थ विवेकर उत्तर को उद्भासित करुथिबा भगवान शंकर जे प्रतिक्षण जोगस्थ एवं जोगस्थ व्यक्ति संतोष प्रभाव रे होई जाए आत्मा राम एवं ताकु विषय रूपक मृगतृष्णा आदौ कन्ना भ्रमित करती ना। तेणु यह ही स्पष्ट बारी हुए जे शंकर भगवान चरित्र सार मर्म को परम शिवभक्त गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य शिव महिम्न स्तोत्र रे मार्मिक शैली रे उपस्थापित करिछंती नहि स्मात्मा रामं विषय मुग तृषा भ्रमयति निजर उच्चांग आदर्श आचरणगत चरम शुद्धि रे जने गृही परम जोगी होई पारे यह शैव दर्शन रु स्पष्ट प्रमाणित। तेणु से चिन्मय सदाशिव भगवान शंकरंकर आज विवाह महोत्सव रे महाप्रभु सते जेपरी बेश होइकरी श्रृंगार होइकरी बसिछंती बरयात्री रे जीवे भगवान शंकर देवदेव उमापति। एवं आपण आउ गोटे कथा देखिबे भगवान शंकर जितेबेले विवाह पई जाउछंती आज समस्ते कौन कहउछंती सप्तऋषि कहउछंती जे महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जितेबेले परीक्षा करिया पई जाइछंती सप्तऋषि काहाकु ना मां पार्वती भगवान शंकर को विवाह पूर्व पार्वती की मध्य परीक्षा देवाक पड़ी। सप्तऋषि जाइछंती परीक्षा करने कौन हे पार्वती तुम्हें कौन पर तपस्या करुच ना भगवान जोगेश्वर शंकर को पाइबाप ना कौन तांकु कहीं बहुत कर भूधर कन्या हिमालय कन्या तुम्हें तुम कौन अभाव अच्छी जंगल रुवा कैलास जंगल बास करुवा श्मशान बास करुवा ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଗୁଣର ଖଣି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିବାହ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସମସ୍ତ କଥା କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ରାଗିକିରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମହାଦେବ ଅବଗୁଣ ଭବନ ବିଷ୍ଣୁ ସକଲ ଗୁଣ ଧାମ ଯେହି କର ମନୋରମ ଯାହି ସନ ତେହି ତେହି ସନ କାମ କହୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ପଛ ଅବଗୁଣର ଖଣି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସକଳ ଗୁଣର ଧାମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ଯାହା ମନ ଯାହାକୁ ରସେ ସେ ତାକୁ ହିଁ ଲୋଡ଼େ ତେଣୁ ହେ ମହର୍ଷିଗଣ ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୋର ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ସାରିଛି ମା ପାର୍ବତୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ଗୁଣ କାହିଁକି ବିଚାର କରିବି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରବଳ ଜିଦ୍ ଥାଏ ତେବେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବା ଛାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଇଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ବରକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ ଏଭଳି କୌତୁକରେ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଲୋକ ତ ଆଳସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଜିଦ୍ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମା ପାର୍ବତୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବି ନଚେତ୍ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ହୁଏତ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବି ନହେଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦେଖିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ କେଉଁଠି ତେଣୁ ଯଦି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଥିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ ମୁଁ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବରଣ କରିବି ନଚେତ୍ କୁମାରୀ ହୋଇକରି ରହିବି ନିଜେ ଶିବ ଆସି ଶହେ ଥର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନାରଦଙ୍କର ଉପଦେଶ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ତେଣୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ପରିଶେଷରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ଧରୁଛି ଏଥର ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ଦେଖିକରି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେ ଜଗଦମ୍ବେ ଦେଖି ପ୍ରେମ
बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। हे माँ जगदम्बे, हे भवानी, आपणकर जय हो, माँ आपणकर जय हो, आपण जय जयकार कले सप्त ऋषि महर्षिगण। तेणु देखु केते प्रभाव, तेणु मुनि माने जाइकिरी हिमवंत को पार्वती निकट को पठाइले एवं हिमवंत आसिकिरी अनुनय विनय करी गिरिजा को घर को फेराई नेले। तापर से सप्तर्षि शिव निकट को जाई जिते पार्वती सकल वृतांत सुनई जे प्रभु माँ पार्वती आपण को बहुत करवाई अतुट प्रेम आपण प्रति सप्तर्षि एत परीक्षा कले तथापि माँ पार्वती कहते जदि वरण करी शिव ना आजीवन कुमारी रही एपटे तीर्थराज महोदधी आलती आज पवित्र शिव बहुत महोत्सव दर्शन करवा भक्त मान प्रतीक्षा कर रही केतु महोदधी आलती देखिए एवं भव्य पटुआर से आलती आलती दानी दर्शन करंतु घंट घंटा ध्वनि भितरे आलती आज आसुंच महोदधी आलती आपण मैंने आम मैंने दर्शन करवा से बालुका शिला बेलाभूमि आचार्य मैंने किपर भाव में पटुआर सहित आलती से धरिकी आसुंच पीठ उपर से स्थापित कले आलती दानी को समस्त पात्र व्यवहार करती आलती पूजा समस्त पात्र को आग रखिले एवं एपटे आज संपूर्ण रूप से समुद्रकूल आज जनसमुद्र समुद्रकूल अच्छा भक्त मैंने दर्शन करने जल समुद्र पाखे आउ गोटे समुद्र कौन ना भक्त मानकर समुद्र आज आखि पाऊनी जो दिग को आप आखि पकईबे से ही दिगरे भक्त हाथ जोड़ी छिड़ाई आलती देखिए आलती देखापी एत आग्रह रही इच्छा रही जे केवल बड़ लोक मैंने आह छोट छोट कुनि कुनि पिला माने मध्य आग्रह सहित तो आगे छिड़ाई आम आलती देख कारण जय जगन्नाथ टीवी जिते बड़े प्रत्येक दिन संध्या समय रे आपण माने तीर्थराज महोदधी आलती दर्शन एवं सौभाग्यवशतः जिते बड़े क्षेत्र को आप आसुंच क्षेत्र को आगमन होपण मान मन संध्या होगले तीर्थराज महोदधी आलती देखापी इच्छा जाग्रत होन भितर एवं आमे घरे बसिकी महोदधी आलती देखुलु आज क्षेत्र को आसीचु जो दर्शन करने आज संध्या समय रे समुद्र कूले ढाई आमे मध्य आलती दर्शन करवा से ही भाव आपण मैंने देखिपुंट कि भाव में भिड़ लगी महोदधी आलती दर्शन करें भक्त मान आज मैंने अच्छा समस्ते आज आनंदर सहित हसुचान आज भगवान शंकर बहुत उत्सव आज शिव बहुत एवं आज पवित्र दिन पवित्र तिथि जिते बड़े ये समुद्र को आम देखुचे तो शिवंकर नाम कहीं नीलकंठ कहीं नीलकंठ होला ना समुद्र जिते बड़े मंथन होता ये समुद्र मंथन रु अनेक अनेक जिते बड़े रत्नमान आसी कि प्रथम विष उत्पन्न होता से विष को भगवान शंकर पान करते कंठ नील पड़ जाता विष को कंठरे रखिले भगवान से नाम नीलकंठ होता नीलकंठ रुद्र नीलकंठाय मृत्युंजयाय महादेवाय। तेणु भगवान देवदेव महादेव आज विवाह महोत्सव एवं पार्वती जो प्रेम निष्ठा शुणीकि भगवान शंकर आनंदमग्न हो गले सप्तर्षिगण कौन कले प्रसन्न चित्तर निज गृह को माने अर्थात ब्रह्मलोक को फेरीगले आउ एथर चित्त को स्थिर करी महाज्ञानी महादेव रघुनाथ को ध्यान रे बसीगले देवदेव महादेव को ध्यान रे बसीगले तेणु से ही समय रे शिवंकर सती को परित्याग करिछंती किंतु आउ थरे पुनः विवाह कारण कौन ना जिते बड़े से ही समय रे भगवान समाधिस्थ हो गले गोटे महाभयंकर राक्षस तार नाम कौन ना तारकासुर तारक नामक एक असुर से समय माति थिला भयंकर असुर तार तेज प्रताप बाहुबल थिला अत्यंत प्रबल कौन सी देवता ताकु परास्त करि पार नथिले एवं ब्रह्मांक कारण राक्षस माने घोर तपस्या करंती एवं महाभयंकर तपस्या राक्षस माने जमिति तपस्या करंती आउ केही करि पारंती नाही देवता माने मध्य करि पारंती नाही कारण सेथि पई
देवता मानंक उपर रक्षा समान भारी पड़ंत एपटे आचार्य तंकर से पात्र को धरी तीर्थराज महोदधिंकर निकट को आसुचंती अति निकटरु जेउठारे तीर्थराज महोदधिंकर जल जुआर लहड़ी थी से स्थान देखते उपचार गुड़िक अर्पण करुछंती तीर्थराज महोदधिंकर एवं सुभाषित जो द्रव्यमान रही था से द्रव्य अर्पण परे परे एठी दुई हस्तरे एकत्र भाव रे अंजुला बा आमे कहि पारिया से अंजुला रे मध्य से पुष्प को धरिकिरी देखंतु से पुष्प तीर्थराज महोदधिंकर जल रे किपर भाव रे अर्पण कले आ क्षीर पात्र टिकु दुग्ध पात्र टिकु हस्तरे धरिछंती एवं तीर्थराज को स्तुति करुछंती आवाहन करुछंती हे तीर्थराज आपण आसंतु आपणकर अर्चन करिवु आमको अनुग्रह करंतु हे जीवमानंकर स्वामी हे सरितपति हे नदीमानंकर पति आपण होउछंती समस्त जीवमानंकर गति तो समुद्र आम संस्कृति रे आमे समुद्रंकु मध्य पूजा करू अर्चन करू आउ एठी तीर्थराज महोदय होउछंती सर्वतीर्थमय हरि हरि बोल हरि हरि बोल देखंतु आज जुआर टिके हल्का रहिछंती तीर्थराज महोदय एवं जेते बेले खीर अर्पण कर देइछंती आगु को गले अर्पण करबा पई जेमते खीर अर्पण करिछंती तीर्थराज सतजपुरी प्रसन्न होकर कूल आड़ की चली गले अनुग्रह करने ये हूँ भावर बल भक्तिर बल शक्तिर बल तेणु जहा आम नकपर ता भाव भक्ति द्वारा संभव तेणु से अर्पण कर पछुक पछुक आसुँ ये हूँ आचार सनातन परंपर आम पूजा विधि पछुक पछुक आसिक भाव में प्रणाम कर देख आम भि आमर जो संस्कृति आम संस्कृति जो महनीयता जो माधुर्यता अच्छी अन्यत्र आपण कौटी देखा पाइबे आम नदी की पूजा करूँ समुद्र को पूजा करूँ पर्वत को पूजा करूँ भूमि की पूजा करूँ तेना आम संस्कृति महनीयता देखते आमर सका उठिले पिता माता प्रणाम कर विधि रही संस्कृति अच्छी प्रत्येक पूजा सरीगले आम कौ सर्वे भवंतु सुखिन अर्थात समस्ते सुखी हूँ समस्त मंगल हो समस्ते खुशी रुहतु भल सर्वे सन्तु निराम समस्त निरामय समस्ते रुहतु सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवि तेणु सर्वे भवंतु सुखी नहर ये बार्ता आम सनातन परंपरार आपण मैंने देखा पाइबे यदि आप देखिपारे भक्त मैंने भजन कीर्तन तल्लीन होकर प्रभुंकर नाम को उच्चारण कर सुंदर भाव में तीर्थराज महोदधिंकर आलती की दर्शन करपटे आचार्य शंकराचार्य मठ गोवर्धन मठर वैदिक ब्रह्मचारी मैंने किपर भाव देखते कुनि कुनि छोट छोट विद्यार्थी से मैंने शुक्ल वस्त्र को परिधान करी कारण शुक्ल वस्त्र परिधान सुखार्थी चेत कुतो विद्या विद्यार्थी चेत कुत सुखम ये वयस ये समय होची सुख को परित्याग करी विद्या को ग्रहण करिवार वयस बा समय तेणु से निम्ते ये अध्ययन समय एवं किपरी भाव आचार्य मध्य पीठ पर बसी पूजा आरंभ कर सारी तीर्थराज महोदधिंकर आलतीर दर्शन आपण मैंने कर केवल जय जगन्नाथ टीवी प्रत्येक दिन संध्या समय जितेबले ताड़कासुर आसीगला पार्वतींकर प्रेमनिष्ठा शुणिकी भगवान शंकर आनंद मग्न हो गले सप्तर्षिगण ब्रह्मलोक को गले पुनः भगवान चित्त को स्थिर कर महाज्ञानी महादेव रघुनाथ ध्यान बसीगले राम ध्यान बसीगले आई समय ताड़कासुर उत्पात बढ़ीगले तेना देवता माने निजर सुख संपद को सब हर आई असुर अजर अमर ताकि कही जिनी पार नथिले तेणु देवता माने ता साथी रे बहु प्रकार युद्ध कर हारीगले पारे ना शेष कौन कले ना ब्रह्मांग पाखक जाकर दुख जन ब्रह्मा देखिले सब देवता दुखर अस तेनाली बुझे ब्रह्मा कहले शिवं ओरसर पुत्र टीए जन्म हेले जा असुर को मारी पार अखंड दीप को देखते कारण समुद्र कूल पवन रेग अधिक रही था पवन से पवन दाऊ रु वायुं प्रवाह रक्षा करने
ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଏବଂ ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିଏ ରହିଛି। ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ କିପରି ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କର। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୀପ ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ଏବଂ ଦୀପ ଉପରେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରତଲକର ପୃଷ୍ଠାଭ୍ୟାଂ ଫଟ କି ପୂଜାର ସବୁ ବିଧି ରହି ଏବଂ ପୁଷ୍ପଟିକୁ ଧରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ଚାଳନା ଚାଲିଛି ଚକ୍ର ଘଣ୍ଟି। ଏଠି ଚକ୍ର ଘଣ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚକ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ପୂଜାର ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଏଠି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସବୁକିଛି ଅଲଗା, ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ। ଏଠି ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ସେଇ ତାଡ଼କାସୁରକୁ ବଧ କରିବ, କିଏ ନା କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆଜି କ'ଣ ହେବ ତା ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାଇକରି ଏ ଅସୁର ମରିବ, କାରଣ ସେଇ ପୁତ୍ର ହିଁ ଏହାକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସହାୟ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଦ କହୁଛି ମୁଁ ରହିଯିବି, ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମହୋଦଧି ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଳତୀ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଳତୀକୁ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ପରେ ପରେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ମା' ପାର୍ବତୀ। ତପସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସପ୍ତ ଋଷି ଆସିକରି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିବାହ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ରତି କାମଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ରତି କାମଦେବ ଆସି ଶିବଙ୍କର ସମାଧିକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ଘର, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ଲଗ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ ପତ୍ରଟିକୁ କାଟିକିରି ପଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଆଉ ତାହା ଶୁଣି ସକଳ ମୁନି ଓ ଦେବ ସମୁଦାୟ ହର୍ଷିତ ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବିବିଧ ବାଦ୍ୟ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସଜାଇ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ। ଲଗେ ସମାରନ ସକଲ ସୁର ବାହନ ବିବିଧ ବିମାନ ହୋଇ ଶଗୁନ ମଙ୍ଗଲ ଶୁଭଦ କର ହିଁ ଅପଛରା ଗାନ। ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜ ନିଜର ସବୁ ଯେଉଁ ବାହନ ରହିଛି, ବିମାନ କାହାର ବିମାନ କାହାର ବାହନ, ତାକୁ ସବୁ ସଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶୁଭପ୍ରଦ ମଙ୍ଗଳ ଲକ୍ଷଣମାନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯିବ ଦେଖାଯିବ। ଅପ୍ସରାମାନେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆଉ ଶିବଗଣମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ ବେଶ, ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକୁଟ, ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ଜଟା ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଟା, ସେ ଜଟାରେ ମୁକୁଟ କରିକିରି ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପକୁ ମଉଡ଼ କରି ଖଞ୍ଜି ଦେଲେ, ଆଉ ଶିବ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ କରିକିରି ପିନ୍ଧିଲେ। ଶିବ ହିଁ ଶମ୍ଭୁଗନ କର ହିଁ ସିଙ୍ଗାରା ଜଟା ମୁକୁଟ ହହି ମୌରୁ ସଂବାରା କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କନ ପହିରେ ବ୍ୟାଲା ତନ ବିଭୂତି ପଟ କେ ହରି ଛାଲା ଶଶିଲ ଲାଟ ସୁନ୍ଦର ଶିର ଗଙ୍ଗା ନୟନ ତିନି ଉପବୀତ ଭୁଜଙ୍ଗା ଗରଲ କଣ୍ଠ ଉରନର ଶିରମାଲା। ଆଳତି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଲେ, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପରୁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିରୁ ଅଗ୍ନି ଆଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବିରାଟ କାୟ ଆଳତୀ ଦାନୀ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତେଜପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହୋମ ହେଉଛି,
तेणु से तीव्र से व्यापक होकर अग्नि न जलिले महोदधि कूल में आपड़ आलती करें ना महोदधि कूल आलती करने असंभव कारण पवन रेग अधिक रही था तीव्र रही था सेठी दीपटे लगे लिभिजी किंतु से स्थान ये आलतीर परंपरा देखते क्यों अनादि काल अच्छे गोवर्धन मठ शंकराचार्य मठ पूर्वापनायर वेदीय गिरी गोवर्धन मठर ये परंपरा आलतीर परंपरा तेणु ये जो आलती आपण मैंने दर्शन करती अनेक थर ये बहु प्राचीन आलती एवं अनेक थर बंद हो किसी समय किसी वर्ष पुनः आरंभ हो ये आलती चली तीर्थराज महोदधि आलती परंपरा कारण जेकोसी स्थान को जी आप तीर्थस्थान को गंगा जमुना आदि जो तीर्थस्थान मानक नदी मान आलती करी आप तीर्थराज महोदधि आलतीर दर्शन करूर्धगामी कर आलती को उठेले आचार्य महाभाव आलती निम्न ऊर्ध को उठेक धारण कले चतुर्दिग को दर्शाऊ से परम पवित्र अग्निस्वरूप से विराट काय बृहताकार आलती दानी आ सकल भक्त मैंने दर्शन करीर्थराज महोदधि लहड़ी जुआर को देखिपारेतु आज शिव भगवान शंकर बह तो भगवान शिव केमी बेश हेले ना कर त्रिशूल और डमरु विराजा चले बस ही चढ़ी बाज ही बाजा आज शिव बह महोत्सव ये पवित्र दिवस शिव गण माने भगवान शंकर को आज्ञा बेश करदे जटा गुड़ी मुकुट करदे गोटे साप को कौन कले ना मऊड़ पर खंजीदे आ शिव सर्प मान साप सापर कुंडल सापर कंकण करी पिंधिले से देहरे भस्म बोली हेले वस्त्र रूप से व्याघ्र चर्म पिंधिले व्याघ्र चर्म को प्रभु परिधान कले शशिललाट सुंदर शिर गंगा सुंदर ललाटरे द्वितीय चंद्र मस्तक गंगा तीनोटी नेत्र स्कंधरे सर्पर उपवीत कंठरे गरल बक्षरे नरमुंड माला शोभा पाइले एपरी भाव बेश अशुभ हेले मध्य से निजे थिले मंगलर परम धाम अशिव वेश शिवधाम कृपाला गोटे हस्तरे त्रिशूल अन्य हस्तरे डमरु एवं से वृषभ उपरे चढ़ीकरी महाप्रभु बाहर बरजात्री बाजा बाजु थाए देखिकी देवता माने मुरुकी मुरुकी हसी कुहाकुई होती जे एपरी वर को तो संसार रे योग्य कन्या मिलना आमती वर को कौटी कन्या मिल देह सारा साप मलमाल सापर कंकण सापर जटा मुकुट बाघ चर्म को परिधान कर श्मशान भस्म को संपूर्ण अंगराग भाव भस्म को विभूति सुंदर परमेश षंढ उपरे बसिकी बाहरी देवता माने देखिकी हसिकी परस्पर भितर कथा होपरी बर को ये जगत रे कन्या कौटी मिल कौटी कन्या मिल कौटी मिलना ये कन्या तेणु विष्णु ब्रह्मा आदि देवता माने सब निज निजर बाहन चढ़ी बरजात्री शोभा चलिए आलती चली तीर्थराज महोदधि आज शिव बह महोत्सव शिव कथा को श्रवण करी तीर्थराज महोदधि आलती दर्शन करुचे अहो भाग्य परम सौभाग्य आलती चली महोदधि तेणु विष्णु ब्रह्मा आदि देवता माने निज निज बाहन रे गले ब्रह्मा हंस उपरे गले विष्णु गरुड़ उपरे गले बरजात्री शोभा चलिए देवतागण सब प्रकार अनुपम अर्थात परम सुंदर देखा जाए कारण बरजात्री गले आज्ञा आम मैंने साधारणतः भल कर बेश हो नगले कौन भल लगे सेमती शिवंर बह देवता माने सब अनुपम रूप सुंदर रूप समस्ते बहुत सुंदर देखा जाते तेणु आज जितेबले अनुपम रूप समस्ते सुंदर देखा जाते बरर अनुपम एवं ये समय कौन है विष्णु कहा अस विहसित बोली सकल दिशी राज यह लक्ष्य करी भगवान विष्णु दिगपाल मान डाक हसी हसी कहले आपण माने समस्ते निजर निजर अलग अलग दल कर चलते कारण जाणी होने किए का भितर पशिक बरजात्री जा भाई आमर
ये शोभायात्रा बरंकर यज्ञ नुहे आम अन्य नगर को जाकिरी उपहास पात्र हवा ना कौन भगवान विष्णुंकर कथा शुणी देवता माने मुरुख मुरुख हसिले आ सुंदर भाव में महाप्रभुंकर विवाह महोत्सव आज यहाँ देखिकी महादेव मन मन हसिले कहले विष्णु भगवानंकर थटालिया कथा केबे जीव ना कारण भगवान विष्णुंकर थटालिया कथा केबे जीवनी निजर प्रिय विष्णुंकर एपरी अति प्रिय कथा शुणिकी शिव मध्य भृंगी को पठाईकि निजर समस्त गण मान डकाइले शिवंकर आज्ञा शुणिला क्षणी तापर सब गण मैंने चलिए आसिले आसिक निजर प्रभु चरण कमल मुंड को नुआईले विभिन्न बेश धरिकी विभिन्न प्रकार बाहन बसिक आसी निजर गण मान देखी शिव मध्य आनंद हसिले आज सुंदर परमेश्वर भगवान शंकर विवाह महोत्सव आ मात्र 27 दिन अपेक्षा आज्ञा एथर रथयात्रा देखा बिना विज्ञापन विरतिर केवल जय जगन्नाथ टीवी रे एवं आसंता काली शीतलष्ठी श्रीमंदिर जलक्रीड़ा एवं घरे बसी निज टीवी परदारे श्रीक्षेत्र पुरी धामरु प्रत्येक दिन सकाळु महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर लाइव दर्शन करी निजर दिन को मंगलमय करंतु या सहित महाप्रभुंकर वर्ष सारा होता समस्त दिव्य लीलार दर्शन सीधा प्रसारण रे देखंतु केवल जय जगन्नाथ टीवी रे एवं ये चैनल को देखापी जदि चैनल टी आसुनी जय जगन्नाथ टीवी तेज आपणकर केबुल ऑपरेटर सहित जोगाजोग करंतु महोदधिंकर आलती संपन्न होला तीर्थराज नमस्तुभ्यं नमस्ते सरितां पते तद्दर्शनं भवेत पुण्यं स्पर्शनात् पापनाशनं आरती जितेबले संपन्न होती आंठू पकईकिरी देवतांकर अभिवंदन पूर्वक गड़ु पात्र शंख पात्र जो पात्र को धरी से पात्र को धरी एवं आरती को धरी तीर्थराज महोदधिंकर निकट को जाऊँ आरती एजावत प्रज्वलित होती आरती एवं तीर्थराज महोदधिंकर निकट में पहुँची से स्थान में आरती अर्पण करिवे समस्त भक्त माने मध्य सुंदर श्रद्धार सहित आरती प्राप्त हेबे प्रतीक्षा करिसेंति कारण दीर्घ समय रु भक्त माने मध्य अपेक्षा करिसेंति केतेबेले आरती हबो आमे आरती पाइबु जेतेबेले आरती दर्शन करूथले एवं आरतीर प्रतिबिंब आपण देखि पारिबे बा छाई किपरि भावरे तीर्थराज महोदधिंकर जलर से जो आवरण रही बेलाभूमि तापर मध्य प्रतिबिंब पड़ुछन्ति महोदधिंकर दर्शन करंतु आज टिके जुआर बा लहड़ी टिके कम कारण ये मध्य एक विज्ञान कौदिन लहड़ी अधिक रहिबो कौदिन कम रहिबो जुआर अधिक रहिबो जो दिन अधिक थिबो से दिन प्रशासन तरफ मना करा जाइथिबो जे समुद्र भितर को न जीवा पा कारण समुद्र मझे मझे अशांत मध्य रुहंती तेणु एठी तीर्थराज महोदधि समस्त को कृपा करुछंती देखंतु किभली भावरे आरती दर्शन करुथिले अनेक दीर्घ समय प्रतीक्षा करी दंडायमान होई जितेबेले आरती से दर्शन करी सारिछंती आरती सरिला आरती देखि सारिबा परे वर्तमान प्रणाम देखंतु इति प्रणामर अनेक महत्व आसिले आग प्रथम आरती आरंभरु क्षीर नीर पुष्प सब अर्पण करी प्रणाम करथिले पछुक पछुक आसी आउ एठी आरती अर्पण करी पुणी प्रणाम कले इटि भक्त माने मध्य जय जय जगन्नाथ नादरे प्रकंपित कारण समस्ते जानंती जय जगन्नाथ टीवी रे आमे माने देखुथुलु आरती आज जेतेबेले तीर्थराज महोदधी को कूल को आसीचु पुरी आसीचु महोदधी कूल को आसी आरती दर्शन करुथुलु आउ तीर्थराज महोदधींकर पाखरे जेतेबेले जय जगन्नाथ टीवी रे निजक पाई खुशी हो जाऊँच आनंदित हो जाऊँ कारण जय जगन्नाथ टीवी समस्त प्रिय जय जगन्नाथ महाप्रभु तांकर अनुग्रह तांकर कृपा जय जगन्नाथ टीवी जय जगन्नाथ टीवी रे प्रातः कालरु सकाळु द्वारपिटा ठारु महाप्रभुंकर रात्र सिंहद्वार बंद पर्यंत केते कथा आमे जानुचे केते नीति देखुचे एपटे देखंतु आचार्य आरती धरी भक्त मानक पाखकु जाउचंती भक्त मानक गहनरे पहुँचिले
जणक पर जड़े से दिव्य तीर्थराज महोदधि आलती को ग्रहण करे आलती ग्रहण कर जल मध्य तीर्थराज जल मध्य देखु छिंचिकी आगे जड़े जड़े जागे जड़े आचार्य गले कारण तीर्थराज जल को जी स्पर्श कर दिए स्पर्शनाथ पापनाशनम स्पर्श करदे पापनाश हो जाए तेणु से पापर उद्धार पाइबापी पापर मुक्ति पाइबापी ये समस्त अनुष्ठान तीर्थराज महोदधि कूल में महोदधि आलती को आनंदर सहित जिते बड़े भक्त मैंने प्राप्ति होजक धन्य मन कर एवं आनंदर सहकार आलती ग्रहण आलती दर्शन करुले आलती की नौ कारण आलती आघ्राण से ये पुण्य रही आघ्राण मुक्तिदह तस्त नित्यम आलती को दर्शन करुले जिते बड़े आलती पाँच प्रसन्नतार सहित कारण दूर देखुले अनेक समय दीर्घ समय हो दूर आलती दर्शन कर सौभाग्य से मैंने महाप्रभु दयारू प्राप्त होते आज जिते बड़े आलती को अति निकट रू पाखर पाँच खुशी है आनंदर सहित आलती को लेकर मथार मस्तक छोट पा देखते से मैंने श्रद्धार सहित भावर सहित हाथ को बढ़े दूसरी कारण इटी आलती नहीं थे क्षेत्र को आसी से भाग्य करते तीर्थराज महोदधि आलती दर्शन सौभाग्य प्राप्त हुए एवं आपण माने दर्शन करुले तीर्थराज महोदधि आलती भक्त माने इटी सुंदर भाव में आलती प्राप्त हेले आपण माने आलती देखुले आज्ञा आ समय आसी उपस्थित आसतु अकिंचन वाणी को विराम देव आसतु आम मैंने जानवा जय जगन्नाथ टीर कार्यसूची संपर्क प्रभुंर नाम को उच्चारण कर अकिंचन बाणी को विराम दूसरी।